आज के अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक्टिवेटेड चारकोल सोप। ये चारकोल सोप होममेड सोप है, मैंने इसको अपने घर पे बनाया है। इसको बनाना बहुत ही सिंपल है और एक ही इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बनाया हुआ है, जो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। चारकोल सोप या चारकोल का इस्तेमाल बहुत पुराने टाइम से होता आया है आपके स्किन में, आपके हेयर में और आपके टीथ को वाइटन करने में। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, आज मैं आपके इसको बेनिफिट्स बताने वाली हूँ। ये कुछ बेनिफिट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हुए हैं जो आपके स्किन से रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, आप इसको केयरफुली रीड कर लीजिएगा। ये सीरियसली इन सारी चीज प्रॉब्लम्स को फाइट करता है, रिड्यूस करता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएं, इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। होममेड एक्टिवेटेड चारकोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेस सोप। एज अ बेस सोप मैं पियर सोप का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम पियर सोप का यूज़ किया है, 100 ग्राम का लिया है, इसको मैं आधा कट करके आधे पियर सोप का यूज़ करूँगी। इस तरीके से मैं यहाँ पे डबल बॉयल मेथड का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अवन का यूज़ करूँगी सोप को मेल्ट करने में। तो इस प्रकार से मैंने आधे सोप को, मतलब 50 ग्राम सोप लिया है और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। कट करने के बाद इसको मैं अवन में मेल्ट करूँगी। अगर आप डबल बॉयलर मेथड का यूज़ करते हैं तो सोप को अच्छे से घिस लें। मैंने शेयर किया हुआ है और भी वीडियोस, वहाँ पे मैंने डबल बॉयलर मेथड से यूज़ करके सिखाया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। इस तरीके से मैंने ये सोप अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। उसके बाद मैं इसको अवन में डालूँगी। अवन में 10 to 15 सेकेंड में ये सोप अच्छे से मेल्ट हो जाता है, ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। एंड तो इस तरीके से देखिए सोप मेरा अच्छे से मेल्ट हो रहा है अभी, एंड ये डन हो गया है, मतलब अच्छे से मेल्ट हो गया है सोप। मेल्ट हो जाए सोप तो ये निकाल लीजिए अवन से। तो इस तरीके से मेल्ट सोप हमें रेडी हो चुका है। चलते हैं सोप बनाते हैं। सोप बनाने से पहले, मेल्ट करने से पहले, आप इस सिलिकॉन के कुछ शेफर आते हैं या फिर आप जैसा भी शेप देना चाहें, चौकोल, गोल, लंबा, चौड़ा, जैसा भी फ्लावर शेप, जो भी शेप देना चाहते हैं उस शेफर को ले लीजिए। उसमें ये जो वैसलीन है उसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। वैसलीन का यूज़ इसलिए किया जाता ताकि सोप अच्छे से निकल जाए, कोई दिक्कत ना हो, चिपके ना। इसलिए मैं यहाँ प्लास्टिक का ये बॉक्स यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी शेप देना चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए जो हमारा सोप मेल्ट हुआ था ये रेडी है। अब हमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करना है, वो है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर। यहाँ मैं एक बड़े चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसको अच्छे से सोप में मिक्स कर लीजिए कंटिन्यू। थोड़ा फास्ट हमें प्रोसेस करना है क्योंकि जो सोप है ये हार्ड होने लगता है, इसलिए आप गर्म गर्म ही फास्ट बहुत जल्दी इसको मिक्स कर लीजिए। इन केस आपका सोप मिक्स करते टाइम, एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर मिक्स करते टाइम ही अगर मेल्ट हार्ड हो जाए सोप, तो वापस से डबल बॉयलर मेथड या फिर आप ओवन में डाल के उसको मेल्ट कर लीजिए और फिर वापस से आप इसको अपने कर लीजिए। आप देख रहे होंगे मिक्स करते करते ही सोप मेरा हार्ड होने लगा। ये देखिए कितनी जल्दी हार्ड हो गया है सोप और अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो जो मेल्टेड सोप है उसको मैं अपने जार में, जो मैंने शेफर इस्तेमाल किया है, ढांचा जो मैं सोप का ढांचा किया है, उसमें इसको डाल देना है। और बचे हुए मेल्ट जो सोप हार्ड हो चुका है उसको मैं दोबारा से मेल्ट करूँगी। लोग बोलते हैं कि मेरा सोप मेल्ट नहीं होता, सॉरी हार्ड नहीं होता, जमता नहीं। देखिए अच्छे से जम चुका है, आप देख रहे होंगे। अब मैं इसको जो बचा हुआ सोप को उसको मेल्ट करके इसमें डाल दूंगी। इसमें जो शेफर है देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मुझे आधे घंटे 15 मिनट जो भी टाइम लेगा ये जमने में उतना रखना है। इसको बाहर मैं फ्रिज में नहीं रख रही हूँ, बस ऐसे इसको बाहर रखूँगी। देखिए आधे घंटे बाद ये प्रॉपर अच्छे से सोप मेरा हार्ड हो चुका है। ये देखिए हार्ड हो गया है। अब इसको निकाल लूँगी। मैंने यहाँ प्लास्टिक का यूज़ किया है, आप लोग सिलिकॉन का यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मेरे को ये मिला इसलिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। आप किसी भी शेपर में यूज़ करते हैं, चौकोल, गोल, त्रिकाकोल, जो भी आप फ्लावर्स जैसा ही बनाना चाहें उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सोप को आप अपने स्किन पे, होल बॉडी पे, हेयर पे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए कितना सिंपली
एक इंग्रेडिएंट से मैंने इसको बना दिया है। तो ऐसे और भी अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को हिट कर लें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, वीडियो को देख पाएँ, और कमेंट करके बताइए कि सोप कैसा लगा, और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।